महंगाई की ट्रेन का सफर तेजी से जारी। ब्रायलर, अंडे, प्याज, लहसुन और अदरक सब महंगाई ट्रेन पर सवार। चंद मौसमी सब्जियों के दाम कदरे कम, जबकि फल गरीब आवाम की पहुंच से कोसों दूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई की सूरत हाल जो कि तू बरकरार है। ख़ास तौर पर ब्रायलर गोश्त और अंडों के नर्ख इंतहाई सतह पर देखे जा रहे हैं। आज भी ब्रायलर गोश्त के नर्ख बदस्तूर 662 रुपये फ़ी किलो है और गुज़श्ता चंद रोज़ से इसी सतह पर ब्रायलर गोश्त की कीमत देखी जा रही है। इसमें कोई बहुत बड़ी कमी होती हुई नहीं देखी जा रही है और इस वक्त मामूल की कीमत से कम अज़ कम 2 गुना ज़्यादा कीमत पर इस वक्त ब्रायलर गोश्त दस्तयाब है और इसमें कमी होती हुई भी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह ये बयान की जा रही है। एक तो दरामदी फीड के कुछ मसाइल हैं और दूसरा रिटेलर्स की जानब से इसकी कीमत के तयन पर भी तहफात हैं, जिसकी वजह से सप्लाई कम ली जाती है। दूसरी तरफ अंडों के नर्ख भी 235 रुपये फ़ी दर्जन आजकल देखे जा रहे हैं। सब्जियों की सूरत हाल में एक उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसमें मौसमी सब्जियों की कीमतों में किसी हद तक कमी देखी जा रही है, लेकिन बाज़ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कि आज भी इंतहाई सतह पर हैं, जिसमें प्याज, लहसुन और अदरक की कीमतें इंतहाई ज़्यादा देखी जा रही हैं। प्याज 160 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि लहसुन 450 और अदरक 650 से 750 रुपये फ़ी किलो तक इस मार्केट में दस्तयाब है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो मार्केट में सूरतयाल नज़र आ रही है उसमें सब्जियों की कीमतों में ताहाल कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ब्रायलर गोश्त की कीमत बदस्तूर इंतहाई सतह पर है और इसके कम होने के इम्कान भी नज़र नहीं आ रहे। जी शुक्रिया जाहिद आबिद।